जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम दुंग दुर्गाय नम जय माता दी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में जैसा कि देवी भागवत में वर्णन किया गया है कि वर्ष भर में चार नवरात्रि होती हैं जिसमें से दो नवरात्रि हम सभी जानते हैं चैत्र मास की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि जो कि आश्विन मास में आती है तो ये दो नवरात्रि प्रकट रूप में मनाई जाती है जिसे कि बहुत धूमधाम से माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना जागरण इत्यादि किया जाता है लेकिन दो नवरात्रि जो होती है वो गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है और वो दो नवरात्रि होती है एक नवरात्रि आती है माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि आती है और दूसरी जो नवरात्रि होती है वो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में होती है और शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई गुप्त साधना से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है अगर हम गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं तो क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है और बहुत शीघ्र इस समय में की गई साधना फलीभूत होती है तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है कब समाप्त हो रही है और गुप्त नवरात्रि में हमें कौन सी गुप्त साधना करनी चाहिए जिससे कि मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं किन मंत्रों का जप करना चाहिए किस दिन भगवती के किस स्वरूप की आराधना की जाएगी और गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा को किस चीज का भोग अर्पित करना चाहिए और गुप्त नवरात्रि का महामंत्र क्या है यह संपूर्ण जानकारी जो कि गुप्त नवरात्रि से संबंधित है आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी दोस्तों बात करें गुप्त नवरात्रि के महत्व के बारे में तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है गुप्त नवरात्रि मतलब गुप्त साधनाओं का समय है ये तो इस समय में जो साधना की जाती है जिन मंत्रों का आप जप करना चाहते हैं या जो भी पाठ कर रहे हैं जो भी आप स्तोत्र कर रहे हैं या किसी भी मनोकामना से आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो उस मंत्र के जप के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं की जाती है आप कौन सी साधना कर रहे हैं कौन सी पूजा कर रहे हैं किस मनोकामना से कर रहे हैं किसी को भी इस बारे में बताना नहीं चाहिए किसी को भी मतलब बाहर से किसी को नहीं बताना चाहिए जब आप घर में पूजा करेंगे तो घर के लोगों को तो पता चलेगा ही कि आप पूजा कर रहे हैं बहुत से लोगों को लगता है घर में अगर हम पूजा करेंगे तो किसी को पता चल जाएगा तो फिर गुप्त कैसे रहेगा देखिए घर के लोगों से गुप्त नहीं रखनी है आपको बात हाँ घर में भी अपने मंत्रों की चर्चा सबसे नहीं करनी चाहिए हर समय नहीं करनी चाहिए जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं या इस साधना के नौ दिन के भीतर जो भी आप अनुभव प्राप्त कर रहे हैं भगवती दुर्गा की कृपा से उस अनुभव के बारे में किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि देखिए बहुत तपस्या करके कठिन तपस्या करके इस समय में जो साधक होते हैं वो सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं ये समय जो होता है गुप्त नवरात्रि का ये साधकों का समय होता है बहुत से तांत्रिक जो हैं वो तंत्र सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि में ही अपने तंत्र की सिद्धि करते हैं मंत्रों की सिद्धि करते हैं तो इस समय को मंत्र सिद्धि के लिए विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में बहुत शीघ्र सिद्धियों की प्राप्ति होती है तो अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं जैसे कि आप अपने इष्ट देव के मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हो या गुरु के मंत्र सिद्ध करना चाहते हो या आपकी कोई विशेष मनोकामना है उस मनोकामना के निमित्त आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो या बहुत शीघ्र अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हो तो उसके लिए ये समय बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है और गुप्त नवरात्रि में आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं जिस भी मंत्र की जपने की आपकी इच्छा हो जैसे कि आप भगवती की आराधना करना चाहते हो भगवान गणेश की कृपा पाना चाहते हो हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो या फिर शिव जी भगवान श्री हरि विष्णु जिसमें भी आपकी आस्था है उनके मंत्रों को आप इस समय में अधिक से अधिक जप कर आप उस मंत्र का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं या यूं कहें कि आप उस मंत्र में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं तो ये पूरी तरह से गोपनीय साधना का समय होता है और बहुत शीघ्र इसमें आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो इसलिए इस समय में आपको अपनी मनोकामना के अनुकूल मंत्रों का जप करना चाहिए जैसे कि अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो आपको लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए या आप कनक धारा -स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या संपुटित श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी एक मंत्र या स्तोत्र को लीजिए और प्रतिदिन नियम के अनुसार एक निश्चित संख्या में प्रतिदिन उसका जप कीजिए और संकटों से मुक्ति पाने के लिए आप चाहें तो संकट नाशन गणेश स्त्रोत्र का पाठ कर सकते हैं इसी प्रकार से अगर आप शिव के उपासक हैं तो भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र या स्तोत्र का एक निश्चित संख्या में प्रतिदिन जप कर सकते हैं और इसी प्रकार से भगवान विष्णु की अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र या स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और अगर आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो भगवान हनुमान के मंत्रों का जप कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं तो अपनी मनोकामना के अनुरूप अपनी इच्छा के अनुरूप आप किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जप इस नवरात्रि में कर सकते हैं और बहुत शीघ्र आपको उस मंत्र में सिद्धि मिल जाती है और जिस भी मनोकामना से आप उस मंत्र का जप करते हैं वो आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है इसलिए गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है उसे मनोकामनाओं को पूर्ण करने का बहुत ही श्रेष्ठ समय माना गया है तो अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है देखिए इस बार जो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि है 30 जून से शुरू होगी और 8 जुलाई को समाप्त हो रही है प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जून को सुबह आठ बजकर इक्कीस मिनट से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी तीस जून को सुबह दस बजकर उनचास मिनट आरोप तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें 30 जून को प्राप्त हो रही है इसलिए 30 जून से नवरात्रि का ये पावन पर्व मनाया जाएगा और 30 जून 2022 को बृहस्पतिवार का दिन है प्रतिपदा तिथि है इस दिन माँ भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाएगी एक जुलाई को शुक्रवार का दिन है द्वितीय तिथि है इस दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करेंगे और दो जुलाई को शनिवार का दिन है इस दिन माँ भगवती दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाएगी तीन जुलाई को रविवार का दिन होगा और इस दिन चतुर्थी तिथि होगी माँ कुष्मांडा की पूजा आज के दिन करेंगे और चार जुलाई को पंचमी तिथि है सोमवार का दिन है इस दिन माँ भगवती दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करेंगे पांच जुलाई को षष्ठी तिथि है मंगलवार का दिन है और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करेंगे छह जुलाई को बुधवार के दिन सप्तमी तिथि है और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे सात जुलाई को बृहस्पतिवार का दिन है और इस दिन अष्टमी तिथि है माँ महागौरी की पूजा आराधना करेंगे और आठ जुलाई को शुक्रवार के दिन नौमी तिथि है और नौमी तिथि पर माँ भगवती दुर्गा के नौवें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करेंगे तो इस प्रकार से नवरात्रि के पूरे नौ दिन है इस बार और नवरात्रि के इन नौ दिनों में हम माँ भगवती दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा आराधना करेंगे और गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के नौ स्वरूपों के अलावा दस महाविद्याओं की भी पूजा आराधना की जाती है और उन दस महाविद्याओं के नाम है माँ महाकाली माँ तारा देवी माँ त्रिपुर सुंदरी माँ भुवनेश्वरी माता छिन्न नमस्ता माता त्रिपुर भैरवी माँ धूमावती माँ बगला मुखी माँ मातंगी और माँ कमला देवी ये दस महाविद्याएं हैं जिनकी पूजा नवरात्रि में मतलब गुप्त नवरात्रि में इन नौ दिनों में की जाती है लेकिन दस महाविद्याओं की साधना के लिए गुरु का सानिध्य होना बहुत आवश्यक है तो इस नवरात्रि में एक आम जनमानस किस प्रकार से माँ भगवती दुर्गा की आराधना करे देखिए नवरात्रि के प्रथम दिन जिस प्रकार से हम चैत्र नवरात्रि में या आश्विन मास की नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना के लिए चौकी लगाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आप इस नवरात्रि में भी चौकी लगाकर और माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में एक चौकी बिछाएं उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं उस चौकी के ऊपर माँ भगवती दुर्गा के चित्र या तस्वीर या फिर विग्रह जो भी आपके पास है उसे विराजित करें उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से उनकी पूजा करें और हाँ अगर आप चाहते हैं कलश की स्थापना करना तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं लेकिन ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप कलश की स्थापना करें आप बिना कलश स्थापना किए भी पूजा आराधना कर सकते हैं लेकिन जो भक्त कलश की स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए बता दूं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 30 जून सुबह पांच बजकर छब्बीस मिनट से सुबह छह बजकर तिरालीस मिनट तक इसी शुभ मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए और माँ भगवती दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनकी पूजा करें जैसे कि धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प ये सभी चीजें जैसे कि हम नॉर्मल नवरात्रि में पूजा करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं और प्रतिदिन माँ भगवती दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का मन में ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या नवार मंत्र का जप कर सकते हैं या माँ भगवती दुर्गा के किसी भी मंत्र किसी भी स्त्रोत्र का आप पाठ कर सकते हैं मतलब जिस प्रकार से आप चैत्र नवरात्रि में या फिर आश्विन मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उनके मंत्रों का जप करते हैं उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी हमें माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए और आप अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस समय में आप माँ भगवती दुर्गा की दोनों समय पूजा करें दोनों समय आरती करें या दोनों समय आप दीपक प्रज्वलित करें आप ये भी नियम ले सकते हैं कि अगर आपके घर के आसपास कोई दुर्गा मंदिर हो कोई भी देवी मंदिर हो तो वहाँ जाकर आप भगवती दुर्गा के नाम पर दीप प्रज्वलित करें इससे भी आपको मनवांचित फल की प्राप्ति का आशीर्वाद मां भगवती दुर्गा से प्राप्त होगा और अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या इस नवरात्रि में व्रत रखना आवश्यक है बिल्कुल भी नहीं आप बिना व्रत रखे इस नवरात्रि में पूजा आराधना कर सकते हैं लेकिन नवरात्रि के जो नियम होते हैं नौ दिन के आप उन नियमों का पालन अवश्य कीजिए अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी नवरात्रि के इन नौ दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और तामसिक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए जैसे कि लहसुन प्याज अगर आप खाते हों या फिर आप मांस मदिरा का सेवन नियमित दिनों में करते हो तो इन नौ दिनों में बिल्कुल भी इन चीज़ों का त्याग करके और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए माँ भगवती दुर्गा के नाम पर आप भजन कीर्तन कर सकते हैं चलते फिरते उठते बैठते किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं और नवरात्रि से एक दिन पहले अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए माँ भगवती दुर्गा का आगमन हो रहा है आपके घर में तो उनकी पूजा आराधना के लिए अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए और आपसे जितना हो सके जिस प्रकार से भी संभव हो सके माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना अपनी क्षमता के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार करिए देखिए अगर आप बहुत अधिक कुछ नहीं कर पाते हैं तो नवरात्रि के इन नौ दिनों में दोनों समय सुबह शाम दीप प्रज्वलित करके माँ दुर्गा के सामने भोग अर्पित कीजिए भोग किस चीज़ का अर्पित करना चाहिए देखिए वैसे तो क्षमता के अनुसार अपनी आप कुछ भी अर्पित करते हैं माँ दुर्गा उसे सहर्ष स्वीकार करती हैं लेकिन नवरात्रि में जो सबसे सुलभ भोग होता है और जो माँ को बहुत ही प्रिय है वो है पान के पत्ते पर अगर आप बतासा और लौंग कर अर्पित करते हैं जैसे आप एक पान का पत्ता लीजिए और ध्यान रखिए कि पान का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए उस पान के पत्ते पर आप दो लौंग रख दीजिए एक बतासा रख दीजिए माँ भगवती दुर्गा को अर्पित कीजिए श्रद्धा के साथ प्रेम से तो माँ दुर्गा इसे सहज स्वीकार कर लेती हैं इसके अलावा आप फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं प्रतिदिन आप अलग अलग पकवान बनाकर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं जैसी आपकी क्षमता हो जैसी आपकी सामर्थ्य हो और जैसी आपकी अपनी श्रद्धा और अपनी इच्छा हो उसके अनुसार आप माँ को कोई भी भोग अर्पित कर सकते हैं और गुप्त नवरात्रि का महामंत्र है नवार्ण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे इस मंत्र के जब से आप किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने का आशीर्वाद माँ भगवती दुर्गा से प्राप्त कर सकते हैं आपकी कोई भी मनोकामना हो जैसे आपको धन प्राप्ति की कामना है संतान प्राप्ति की कामना है शीघ्र विवाह की कामना है मन चाह जीवन साथी पाना चाहते हो नौकरी में व्यापार में समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हो या फिर जीवन में अपार सफलता पाना चाहते हो सुख समृद्धि सौभाग्य पाना

कोई भी आपकी मनोकामना हो अगर आप नवरात्रि के इन नौ दिनों में नवार्ण मंत्र का जप माँ भगवती दुर्गा के सामने करते हैं और माँ भगवती दुर्गा से अपनी मनोकामना कहते हैं तो निश्चित ही गुप्त नवरात्रि में की गई जो मनोकामना होती है बहुत शीघ्र पूर्ण होती है तो इस मंत्र का जप आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं जैसे अगर आपके पास समय हो आप अधिक संख्या में जप कर सकते हैं ग्यारह माला इक्कीस माला बहुत से भक्त एक माला भी प्रतिदिन जप कर लेते हैं लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं कम से कम एक माला प्रतिदिन जरूर कीजिए आप रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप कर सकते हैं इस शुभ समय में आप पूरी तरह से मां को समर्पित भाव से अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा आराधना कीजिए तो आशा करती हूं कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार